बच्चों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार समाज में रहने वाले हर लोग अपनी आय को प्राप्त करने के लिए यानी कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योग से संबंधित हो या किसी सेवा कार्य से संबंधित हो। तो वो सारी क्रियाएं जो पैसे को प्राप्त करने के लिए यानी कि धन प्राप्ति से संबंधित होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ही धन प्राप्त करना होता है, वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि वो अर्थ यानी कि धन से संबंधित होती हैं। इस अध्याय में हमने देखा था कि इन आर्थिक क्रियाओं को तीन अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आय प्राप्ति का मुख्य काम कृषि यानी कि खेती करना होता है, यानी वो खेती सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उससे उनको भोजन के लिए अनाज प्राप्त होगा, खाने के लिए कुछ अनाज प्राप्त होगा, बल्कि वो इसलिए भी करते हैं कि उससे जो भी उत्पादन होगा, जो उनके खेत में जो प्रोडक्शन होगा, उसको वो मार्केट में बेचेंगे और उसके बदले में वो कुछ धनराशि उनको मिलेगी, यानी वो आर्थिक क्रियाओं को का रूप दे देते हैं कृषि को। बिल्कुल ऐसी स्थिति उद्योग में भी होती है और ऐसी स्थिति सेवाओं में भी होती है, यानी प्रोफेशनली अगर हम कुछ काम करते हैं तो उद्योग और सेवा के बदले में तो हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। फिलहाल हम इस अध्याय में जानेंगे कि कृषि क्षेत्र क्या है, कौन कौन से इसमें कार्य होते हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, जब हम कृषि का कार्य करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, और किस प्रकार हम कृषि को एक व्यवसाय के रूप में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में उसको हम अपना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कृषि क्षेत्र के बारे में। पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा कि जब हमने कृषि करना प्रारंभ किया तो उस समय हमारी खेती करने की जो तकनीक होती थी वो अभी की तकनीकों से बहुत अलग होती थी। बहुत पहले के ज़माने की जब हम तस्वीरें देखते हैं किसी किसान को खेती करते हुए, तो आप देखते होंगे कि एक किसान किस तरह से बहुत ही पसीने में वो तरबतर होकर खेतों में वो जुताई करता हुआ दिखाई देता है, बैल रहती हैं और उसके पीछे वो लकड़ी से बने हुए जोत रहते हैं जिसके द्वारा वो खेतों की जुताई करता हुआ कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर फसल की कटाई यानी बीज बुआई से लेकर फसल की कटाई तक की जो भी तकनीकें होती थी खेती करने की, वो सारी की सारी तकनीकें परंपरागत तकनीकों के अंतर्गत आती थी। एक तो खेती करने के तरीकों पे हम बात करें, दूसरा हम देखें खेती को सुरक्षित रखने, फसल को बढ़ाने, यानी यहाँ पर बात आ जाती है सिंचाई व्यवस्था की। तो उस समय पूरी की पूरी जो कृषि व्यवस्था थी, पूरी की पूरी जो खेती थी, वो मॉनसून पर निर्भर थी। हालांकि आज भी हम भारत में यही मानते हैं कि भारतीय कृषि जो है वो मॉनसून का जुआ है। अगर मॉनसून सही समय पर आ गया, बारिश सही समय पर हो गई, तब तो खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर मॉनसून सही समय पर नहीं आया, असमय बारिश होती है, असमय ओलावृष्टि होती है, कभी भी बर्फ़ गिर जाता है, आप देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि ठंड के महीनों में दिसंबर जनवरी में, जबकि ठंड पड़नी चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, अब उन दिनों में भी हम देखते हैं कि बारिश या ओलावृष्टि होती है। तो ये जो असमय बारिश हो रही है, असमय मानसून का आना जाना है, कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव कृषि यानी कि खेती पर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या का हमको सामना करना पड़ रहा है। तो परंपरागत तकनीकों को अपनाते हुए और फिर मॉनसून की अनिश्चितता को देखते हुए, और तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या सामने आई कृषि की उत्पादकता की, यानी कि बहुत अच्छे खाद, बहुत अच्छे बीजों का प्रयोग न करने के कारण भी शायद उतनी खेती भी किसान नहीं कर पाते थे जितनी कि उनकी लागत उसमें लगती थी, उतना उत्पादन भी नहीं हो पाता था। तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि लोग धीरे धीरे
खेती का जो व्यवसाय था उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होते हुए फिर वो उद्योगों में या किसी पेशे में धीरे धीरे जाने लगे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, अगर हम पुराने आंकड़ों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय जहाँ लगभग 72% लोगों के जीवन की आजीविका का जो मुख्य साधन था वो खेती करना था, तो इन आंकड़ों को देखते हुए अभी भी हमको ये समझ में आता है कि हालांकि बहुत सारी समस्याएं खेती में हैं, लेकिन फिर भी ये जो उद्योग हैं, अलग व्यवसाय हैं, सेवा क्षेत्र है, वहाँ पर पर्याप्त रोजगार न होने के कारण अभी भी लोग कृषि क्षेत्र से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम कृषि क्षेत्र की बात भारत के सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि उस समय आज़ादी के समय जो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान था वो लगभग 55% था। लेकिन वहाँ मेन बात ये थी कि लोगों का मुख्य व्यवसाय ही खेती करना होता था, या फिर खेती से संबंधित जो अलग छोटे मोटे व्यवसाय होते थे जैसे मछली पालना, बकरी पालना या गाय पालना, यानी दूध का कोई व्यवसाय करना, और इस तरह के अन्य कई व्यवसाय होते थे जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए होते थे। ये उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था जो कि कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित था। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि लगभग 53% लोग जो थे भारतीय अर्थव्यवस्था के वो इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, कृषि संबंधी क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग थे। लेकिन अब अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की तो अब इनका हिस्सा केवल 15% ही रह गया था। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी समस्या थी जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इनका प्रतिशत जो था उसमें उतार चढ़ाव आता गया। लेकिन इसका ये अर्थ हम बिल्कुल नहीं लगा सकते कि कृषि के प्रति लोगों के अंदर नकारात्मकता आ गई, यानी नेगेटिविटी आ गई, वो हट गए, सारे के सारे रोजगार में चले गए या कहीं उद्योग में चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी भी लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो एक हम नाम लेते हैं छिपी हुई बेरोजगारी की, वो वाली जो वस्तु स्थिति थी वो अब लोगों के सामने आने लगी थी। एक उदाहरण से अगर हम समझें तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के परिवार में 6 सदस्य हैं और कुल मिलाकर 4 एकड़ उसका खेत है। जब वो इस पर खेती करता है तो लगभग 40 क्विंटल धान उसको प्राप्त होता है। अब इन 6 सदस्यों में अब हम ये मान लेते हैं कि 6 सदस्यों को रोजगार प्राप्त होता है उस एक खेत से। अब मान लीजिए इन 6 सदस्य में 2 सदस्य कहीं और चले गए और किसी रोजगार में वो लग गए। अब 4 सदस्य जो हैं वो मिलकर इस खेत पर खेती करते हैं, 4 एकड़ खेत पर ही खेती करते हैं, तो भी 40 क्विंटल धान ही प्राप्त होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 6 लोग काम करेंगे तो ही 40 क्विंटल धान मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं 2-3 लोग ऐसे थे जो छिपे हुए रूप से बेरोजगार थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पारिवारिक भूमि है, पारिवारिक उनका कार्य है, तो ये मान लिया जाता है कि वो बेरोजगार नहीं है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो छिपी हुई बेरोजगारी थी ये भी कहीं ना कहीं सामने आने लगी। इसके कारण भी लोग थोड़ा सा कृषि व्यवसाय से हटकर अन्य रोजगार में भी जाने लगे। एक वृत्त आरेख की सहायता से हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह कृषि से लोगों को रोजगार तो मिलता रहा है लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं छिपी हुई बेरोजगारी भी वहां पे हमको नजर आते रही है। अब हम बात करें भारतीय कृषि की समस्याओं की। तो जैसे कि हमने जाना कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून का जुआ है, जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, बार बार हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि मानसून भले ही एक बड़ा क्षेत्र हमारा जो है वो सिंचाई के बहुत सारे साधनों से वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा जो देश का है वो अभी भी मानसून पे ही निर्भर है। और आप लोग देखते होंगे कि लगातार मानसून जो है वो बड़ा अटपटा सा आ रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ की है उसका परिणाम अब हमको बिगड़ते हुए मानसून के रूप में देखने को मिल रहा है।
तो क्योंकि मानसून असामयिक है, कभी भी आता है, इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है, सीधा सीधा प्रभाव है, वो कृषि पर पड़ रहा है। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसी से अगर हम जोड़ कर देखें तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है ओलावृष्टि। कहीं ना कहीं मानसून से ही प्रभावित है। कभी भी किसी भी समय में ओलावृष्टि हो जाना, बर्फ का गिरना, सीधे सीधे तौर पर खेत में जो फसल उगी हुई होती है उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ऐसी ही एक समस्या आती है फसलों की बीमारियाँ। आप देखते होंगे समय समय पर टीवी न्यूज़ या समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे कि फसलों को भी कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर उनका जो डेवलपमेंट होना था, उनका जो विकास होना था, जितना उनको बढ़ना था, जैसा ग्रोथ करना था, वो नहीं बढ़ पाते हैं और बीच में ही वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कीटों का प्रकोप होता है। बहुत सारे कीट पतंगे, बहुत सारे कीड़े होते हैं जो फसलों में घुसकर उनको खा जाते हैं। यानी कि वो जो धान जो होते हैं, इस तरह के जो चने हैं, धान है, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो बड़ी तो होती हैं, लेकिन इसके पहले कि वो कंप्लीट हो सके, पूरी तरीके से वो उत्पादित होकर निकल सके, उसके पहले ही कीड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनके प्रकोप से वो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसके कारण खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो उन्नत जब तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं तो इसमें किसान जो है वो बहुत सारे कर्ज ले लेते हैं, और धीरे धीरे फिर क्योंकि उतनी खेती हो नहीं पाती जितना वो अपेक्षा किए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कर्ज के बोझ में भी डूबते जाते हैं, दबते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे समाधान भी ढूंढे गए। जैसे हम बात करें अगर फसल बीमा की, तो आप सुनते होंगे कि सरकार बहुत सारी फसल बीमा योजनाएँ लाती है। यानी कि फसल को उगाने में, एक निश्चित क्षेत्र में खेती करने में, एक किसान जितनी लागत लगाता है उसका वो बीमा करवा लेता है। अगर किसी भी कारण से, मान लीजिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मॉनसून की अनिश्चितता, आग लग जाने से, कई बार फसलों में आग भी लग जाती है सूखने के बाद, किसी भी कारण से अगर फसलों को हानि होती है तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो भी राशि निर्धारित की जाती है वो किसानों को मिल जाती है। तो एक तो इससे भी समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अनाज संग्रहण की जो पद्धति है, कि अनाज को संग्रहित करके रखा जाए, थोड़ा सा इकट्ठा करके रखा जाए, कि मान लीजिए अगले वर्ष खेती अच्छी हुई या ना हुई या मौसम कैसा भी रहा तो ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं अब, जो पहले हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब क्योंकि हमारा जो मौसम विभाग है वो काफ़ी सक्रिय है तो हम पहले से मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, और हम ये पता लगा लेते हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाए जिससे अच्छी उपज जो है वो प्राप्त की जा सके। लेकिन इन सारी योजनाओं की जानकारी, इतनी सारी जो सरकार ने योजना चला के रखी है और इतने सारे लाभ जो हम कृषि के क्षेत्र में हम ले सकते हैं, इनके लिए समय समय पर बहुत सारे चैनल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कृषि के क्षेत्र में आप देखते होंगे कृषि संबंधित बहुत सारे न्यूज़, मैगजीन, पत्रिकाएं, ये हमको प्राप्त होते रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपडेट रहना पड़ेगा, हमको इन चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इनसे संबंधित सभी जानकारियों को आसानी से ले पाएंगे। तो आपने देखा कि कितनी सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस किया जाए तो आज भी लगभग 45% हिस्सा ऐसा है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से या तो परंपरागत साधनों पर निर्भर है या मॉनसून पर निर्भर है। ऐसे क्षेत्रों को हम सूखा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कोशिश करते हैं कि उन क्षेत्रों में ऐसी खेती हो जहाँ पर पानी की कम ज़रूरत पड़े, जैसे यहाँ पर हम सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, कपास, इस तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल की सुविधा है, जहाँ पर पानी है, वहाँ पर भी अच्छी खेती हो जाती है कुछ अनाज की, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि भूमिगत जल जो है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से भूमिगत जल का स्तर भी जो है वो नीचे चला जाता है। हालांकि आप देखते होंगे कि आजकल भूमिगत जल के संरक्षण के लिए भी बहुत सारी टेक्निक आ गई है। पहले भूमिगत जल का संरक्षण करने के लिए स्टॉप डैम बना दिए जाते थे, हालांकि आज भी बनाए जाते हैं,
गहरे कुएं बनाए जाते थे जो पानी को सोख कर इकट्ठा करके रखे, तालाब बनाए जाते थे। अब हम एक नई पद्धति को देख रहे हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं और इसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे घरों के छत का जो पानी है, नालियों में आसपास बहने वाला जो पानी है, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से सीधे भूमिगत जल से हम उसको जोड़ दें। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखने का भी प्रयास करते रहे हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी आता है कि कृषि भूमि की उत्पादकता को कैसे बचाए रखा जाए, यानी भूमि उपजाऊ है तो उसको उपजाऊ ही बनाए रखा जाए, उसके लिए क्या किया जाए। बहुत पहले तो हमने देखा कि हम आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो हम देखते थे कि उस समय हम जैविक खाद का प्रयोग करते थे, बहुत ज़्यादा हम केमिकल युक्त रसायनों का प्रयोग नहीं करते थे, हाइब्रिड बीज का उपयोग हम नहीं करते थे, तो कृषि की जो उत्पादकता थी, जो परसेंटेज था, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ा। कई बार ऐसा होता था कि जितनी लागत है उतना भी किसान उत्पादन नहीं कर पाता था, तो धीरे धीरे कृषि के प्रति जो लोगों की रुचि थी वो कम होने लगी। और पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार लोग कृषि से फिर धीरे धीरे वो मूव करने लगे रोजगार की तरफ या सेवा क्षेत्र की तरफ। इसी समस्या को हल करने के लिए हरित क्रांति का जब की प्रक्रिया जब चली और उसके बाद जब कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाने लगा, केमिकल युक्त जो उर्वरक थे उनका प्रयोग किया जाने लगा, केमिकल युक्त कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा, तो हालांकि कृषि की उत्पादकता में तो बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कीटनाशक थे, ये जो केमिकल युक्त रसायन थे, उर्वरक थे, उनसे धीरे धीरे भूमि की उपजाऊ क्षमता जो थी, उर्वरकता जो थी, वो सारी ख़त्म होती गई या कम होती गई, क्योंकि ये जो कीटनाशक थे वो फसलों के जो कीट थे उनको तो नष्ट करते ही थे, साथ ही साथ भूमि में जो बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ज़रूरी होते हैं भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, वो भी ख़त्म होते गए, उनको भी इन रसायनों ने, इन कीटनाशकों ने ख़त्म कर दिया। तो धीरे धीरे भूमि की उपजाऊ क्षमता जो थी, उत्पादकता जो थी, वो कम होते गई। लेकिन कहते हैं ना कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वही घूम के कहीं ना कहीं फिर से वापस आती हैं, तो आज के दौर में आप देखते होंगे कि सारी चीज़ें वापस आ गई है जैविक खेती में। जब आप मॉल जाते होंगे, कहीं मार्केट जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि ऑर्गेनिक फूड्स रहते हैं और आज समाज का, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऑर्गेनिक फूड्स के पीछे लगा हुआ है। जब आप रेट कंपेयर करते होंगे तो आप देखते होंगे नॉर्मल जो फूड के पैकेट होते हैं, नॉर्मल जो अनाज के पैकेट होते हैं और ऑर्गेनिक अनाज जो होते हैं उनके रेट में काफ़ी अंतर होता है। ऑर्गेनिक जो अनाज होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो घूम फिर के हम फिर वहीं पे आ गए, हमने स्वीकार किया कि वो जो हमारी टेक्निक थी गोबर से जैविक जो खाद का हम जो प्रयोग करते थे, जैविक जो कीटनाशकों का हम प्रयोग करते थे, वो आज के इन रसायनों से कहीं अच्छा था। तो फिर से हम पहुंच गए जैविक खेती की ओर। आइए देखिए क्या है जैविक खेती। वास्तव में हम जब खेतों में इन रसायनों का, केमिकल्स का, आर्टिफिशियल जो कीटनाशक हैं, रसायन युक्त जो कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग ना करके हम गोबर से बनी खाद या फिर हम हरी खाद, गोबर की खाद जिसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं, जीवांश खाद, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये जो खेती करने की टेक्निक होती है ये जैविक खेती कहलाती है। और जैविक खेती से सबसे महत्वपूर्ण बात तो भूमि की जो उत्पादकता होती है, जो क्षमता होती है, वो नष्ट नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फसल भी हमको बहुत अच्छी मिलती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैविक खेती से जो अनाज उत्पादित किए जाते हैं, जो फसलें उत्पादित होती हैं, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, फल जो उगाए जाते हैं,
वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे और सुरक्षित होते हैं। अब कृषि की इन समस्याओं के साथ साथ हम बात करें भूमि के असमान वितरण की, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। आप देखते होंगे कि एक ही गांव में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि होती है, उनका जो कई एकड़ उनके पास भूमि होती है, लेकिन वहीं पर कुछ कृषक ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन होती है खेती करने के लिए, और कुछ एक वर्ग तो ऐसा होता है जिनके पास खेत होता ही नहीं है, वो दूसरों के खेत में काम करके कैसे भी अपनी आजीविका चला लेते हैं। तो ये जो भूमि का वितरण है ये थोड़ा सा असमान है। यहाँ समस्या ये होती है कि एक साथ बहुत सारी योजनाएं लागू करने पर भी जो कृषि की जो मुख्य समस्या है वो हल नहीं हो पाती है। तो भूमि का असमान वितरण भी एक मुख्य समस्या के रूप में हम देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात हम देखें तो कृषि के जो उत्पाद हैं उनके विपणन की यानी उनके मार्केटिंग की समस्या भी होती है। बहुत सारी योजनाओं को लागू कर देने से, बहुत सारी सुविधाओं को दे देने से किसान जो होता है वो बहुत अच्छी खेती तो कर लेता है, बहुत अच्छी उपज तो उसको मिल जाती है, लेकिन अब जो उसकी उपज है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो सारा का सारा उत्पादन अपने लिए ही किया हो, एक बड़ा हिस्सा वो बाजार में बेचना भी चाहता है, लेकिन बाजार तक वो पहुँचे कैसे, यानी उसकी मार्केटिंग कैसे हो, विपणन कैसे हो, ये एक बड़ी समस्या है। अगर ओपन मार्केट में, खुले बाजार में किसान अपने उत्पादों को बेचता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जाती हो जाती, ठगासा जाता है वो, जितना उसको लागत लगे रहता है उससे भी कम मूल्य कई बार मिलता है। तो इस तरह की जो किसान की समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी करती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर देती है, और एक खुले मंडी में, खुले बाजार में किसान जो होता है वो अपनी उपज को लाकर बेचता है, जिससे उसको जो लागत होती है उत्पाद में वो भी मिल जाता है और साथ में उसको कुछ लाभ भी मिल जाता है। तो विपणन के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी किसानों को ना हो। एक महत्वपूर्ण बात अगर हम ये देखें तो कृषि में साख की आवश्यकता को भी नकारा नहीं जा सकता। साख यानी कि ऋण या उधार लेना। अब खेती करना है, हमको देखने में तो बहुत आसान लगता है फसल उगाना, लेकिन जो व्यक्ति, जो कृषक खेती करता है उसको यह एहसास होता है कि कितनी सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। जब वो खेती करना प्रारंभ करता है तो खेत की जुताई से लेकर बीज बुआई से लेकर सिंचाई और बहुत सारे काम उसको करने पड़ते हैं। एक तो उसको अच्छा खाद चाहिए होता है, अच्छे बीज चाहिए होते हैं, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा चाहिए होती है, कटाई और उसके भंडारण की सुविधा चाहिए होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। अब कुछ किसान जो बड़े आय वर्ग के हैं उनके पास तो धन होता है, लेकिन कुछ किसानों को ऋण यानी कि साख की ज़रूरत पड़ती है। तो कृषकों के लिए जो साख प्रदान किया जाता है, ऋण जो दिया जाता है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसको हम समझ सकते हैं पहला संस्थागत ऋण और दूसरा गैर संस्थागत ऋण से। हम जाने संस्थागत ऋण के बारे में, तो ये वो ऋण होता है जो किसान किसी न किसी सहकारी संस्था या सहकारी बैंक या कृषि विकास बैंक, इन सब संस्थाओं से यानी गवर्नमेंट के जो संस्थाएं होती हैं उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इनकी मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि इनमें ब्याज दर जो होता है ऋण का वो बहुत कम होता है, नॉमिनल होता है। क्रेडिट कार्ड आप सुने होंगे, किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी सरकार मुहैया करवाती है, जिससे वो आवश्यकता पड़ने पर उस कार्ड के माध्यम से, जिसे हम नॉर्मल बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे विड्रॉल कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए आप समय समय पर सुनते होंगे, देखते होंगे, कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए सरकार जो कृषक है उनको अनुदान देती है, कुछ राशि उनको छूट के रूप में एक्स्ट्रा देती है, साथ में खाद, बीज, उर्वरक, ये सब कम दामों पर
और अच्छी क्वालिटी के किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं संस्थागत बैंकों के द्वारा दी जाती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इन संस्थागत बैंकों का लाभ, जो संस्थागत साख है, इनका लाभ मध्यम या बड़े किसान बहुत आसानी से ले लेते हैं, छोटे किसान इनका लाभ नहीं ले पाते। शायद इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत अधिक होती हैं, जमानत चाहिए होती है बड़ी राशि के ऋण लेने की, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ छोटे कृषक जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे किसान फिर चले जाते हैं गैर संस्थागत क्षेत्रों में, जहाँ पर सहकारी बैंक के ऋण ना देकर इनको सहारा होता है गांव के जो साहूकार होते हैं, सेठ महाजन होते हैं, या इनके अपने कुछ रिश्तेदार होते हैं, इनके कुछ मित्र होते हैं, जिनसे वो ऋण ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार ऋण ना चुकाने पर वो जो जमानत के तौर पर अपना कोई कीमती सामान या कोई ज़मीन गिरवी रखे होते हैं वो उनके हाथ से चले जाती है, या अगर वो चुका भी देते हैं तो इनके ब्याज की धनराशि जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि मध्यम, बड़े और निम्न जो किसान हैं इनमें न्याय संगतता एक होनी चाहिए, सभी को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। वर्ष 2012 में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत और गैर संस्थागत साख पर नज़र डालें तो एक वृत्त आरेख के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वर्ष 2012 में भारत में कृषक परिवार के लिए साख स्रोत पर एक नज़र डालें। संस्थागत साख सहकारी और व्यावसायिक बैंक 61%, सहकारी और अन्य औपचारिक स्रोत 3%, गैर संस्थागत साख व्यावसायिक और कृषि ऋणदाता 30%, व्यापारी एवं जमींदार 1%, रिश्तेदार और मित्र 4%, अन्य स्रोत 1%। तो आपने देखा कि किस प्रकार संस्थागत और गैर संस्थागत ऋणों में भिन्नता होती है, कुछ इसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। यहीं पे अगर हम बात करें गैर कृषि कार्य के अवसर की, तो क्या होता है कि जो बड़े कृषक होते हैं, बड़े जो उनकी खेती होती है उनसे वो सरकार की योजनाओं के साथ साथ अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति का भी फायदा उठाते हुए बहुत अच्छे से खेती कर लेते हैं, बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग और छोटे जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साल भर वो खेती नहीं कर पाते, मौसम के अनुकूल कुछ समय तक तो करते हैं, लेकिन जिनको हम कह सकते हैं कि वो मौसमी बेरोजगार हो जाते हैं, एक मौसम में वो अपने खेतों में खेती करते हैं, या वो किसी दूसरे के खेत पर भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो खेती करते हैं, लेकिन जिस समय पर खेती नहीं होती वहाँ वो मौसमी बेरोजगार के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आय तो सबको चाहिए होती है हर समय, चाहे वो खेती का सीजन हो या ना हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो गैर कृषि कार्यों की ओर जाते हैं, यानी ऐसे समय में वो कहीं ईंटा भट्टा, कहीं किसी उद्योग, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, या आसपास कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है तो वहाँ पर फिर वो चले जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं गैर कृषि व्यापार से जो कृषक वर्ग है उनको जोड़ने का काम करता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार आर्थिक क्रिया के रूप में हम कृषि कार्य का सहयोग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कृषि केवल अपने लिए अनाज उत्पादन तक सीमित रहे, अगर हम कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हैं, सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छे बिजनेस, बहुत अच्छे व्यापार के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं।